राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 200 प्रत्याशियों की सूची में सिर्फ एक नाम हैरान कर रहा है और वो है शांति धारीवाल। गहलोत सरकार के विकास मॉडल कोटा में 7 अजूबे स्थापित करने वाले शांति धारीवाल ने कांग्रेस की आखिरी सूची में भी अजूबा कर दिया। अंतिम सूची में धारीवाल का नाम आते ही कांग्रेसियों में हैरानी छा गई। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस गलियारों में ये सवाल तेज हो गया कि आखिर कांग्रेस ने टिकट वितरण में ये भेदभाव क्यों किया। जब दोनों नेताओं ने एक ही गलती की तो फिर क्यों एक को सजा और दूसरे को माफी दे दी गई? क्यों पार्टी ने जोशी का टिकट काटा और धारीवाल को प्रसाद बांटा? पत्रिका ने इसकी पड़ताल की तो इसके पीछे कई वजह सामने आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद महेश जोशी को टिकट नहीं मिलने के पीछे कई कारण सामने आए। 25 सितंबर 2022 को आलाकमान को चुनौती देते हुए समानांतर बैठक बुलाने के आरोपों का सामना कर रहे जोशी इन दिनों जल जीवन मिशन को लेकर विवादों में हैं। जेजेएम मामले में जलदाय मंत्री जोशी ईडी की रडार पर है। चर्चा है कि प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही जोशी को पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने संभावित नुकसान को भांपते हुए जोशी का टिकट काटना ही उचित समझा। इसके अलावा सर्वे रिपोर्ट में भी जोशी निचले पायदान पर रहे। चर्चा ये भी रही कि कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक जोशी से नाराज था। इतना ही नहीं, जोशी के बेटे पर लगे आरोप और क्षेत्र में उनकी दबंगई के चर्चे भी दिल्ली तक पहुंच गए। लिहाजा हवा महल से सियासी हवा की आस लगाए बैठे जोशी की हवा दिल्ली से आर तिवारी की तरफ मुड़ गई और गहलोत अपने करीबी जोशी का टिकट भी नहीं बचा पाए। वहीं आलाकमान को सीधे चुनौती देने के बावजूद जोशी से उलट शांति धारीवाल टिकट पाने में सफल हो गए। 7 सूचियों से टिकट का इंतजार कर रहे शांति धारीवाल को अंतिम समय में आलाकमान का आशीर्वाद मिलने के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण, धारीवाल पूरे हाड़ौती संभाग को प्रभावित करते हैं। यूडीएस मंत्री रहते कोटा में कराए विकास कार्य की चर्चा तो पूरे देश में है। उनका टिकट कटने की स्थिति में हाड़ौती में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता। इसके अलावा दिल्ली में गहलोत धारीवाल को फंड मैनेजर के तौर पर भी प्रस्तुत कर रहे थे। उनका ये तर्क था कि धारीवाल का टिकट काटने की स्थिति में फंड मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी चुनौती होगा। इतना ही नहीं, गहलोत ने आलाकमान को धारीवाल के संसदीय अनुभव का भी हवाला दिया। विधानसभा में विपक्ष के बड़े से बड़े आरोपों पर धारीवाल आक्रामक होकर जवाब देते थे, जिसका इनाम गहलोत ने कांग्रेस नेतृत्व की नापसंदगी के बावजूद उन्हें टिकट दिलाकर दिया। बहरहाल धारीवाल को भले ही टिकट मिल गया, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व का ये भेदभाव कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रहा। हालांकि इस मुद्दे पर कोई भी नेता खुलकर बोलने से बच रहा है, लेकिन अंदर खाने वो ये चर्चा जरूर कर रहा है कि जब अपराध एक तो फिर सजा में भेदभाव क्यों। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस नेतृत्व की इस रणनीति का चुनाव में पार्टी को फायदा होता है या नुकसान। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। Thank you.